मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत भारत में 25 जनवरी को लगभग 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है। कोई शक नहीं है कि तमाम विरोधों के बावजूद फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी उत्साह है, जिसका साफ असर एडवांस बुकिंग में भी दिख रहा है। एडवांस बुकिंग के हिसाब से फिल्म 20-25 करोड़ तक की ओपनिंग देगी। वहीं अच्छी बात यह है कि फिल्म को 4 दिनों का लंबा वीकेंड भी मिल रहा है। जाहिर है कि फिल्म इन 4 दिनों में बेहिसाब कमाने वाली है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों का दर्शक वर्ग हर उम्र के लोग हैं, बाजीराव मस्तानी हो या हम दिल दे चुके सनम, लोग भंसाली की फिल्मों के दीवाने हैं। ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म पद्मावत 22 से 25 करोड़ तक की धमाकेदार ओपनिंग दे सकती है। फिल्म भारत में लगभग 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, जिससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि फिल्म काफी तगड़ी कमाई करेगी। फिल्म लगभग 180 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनी है, लिहाजा फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 250 करोड़ की ओपनिंग करनी होगी। खास बात यह है कि फिल्म 25 जनवरी को सोलो रिलीज हो रही है। वही इसके आगे पीछे भी कोई बड़ी फिल्म नहीं है, यानी कि फिल्म के पास कमाने के लिए लगभग 15 दिनों का समय है। वहीं उम्मीद है कि पहले 4 दिनों में ही फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, यानी कि वीकेंड तक फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। ट्रेड पंडितों की माने तो पद्मावत 250 से 280 करोड़ तक लाइफ टाइम कलेक्शन दे सकती है। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म स्टार कास्ट से लेकर कहानी, सेट और कोरियोग्राफी हर मामले में परफेक्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।